हेलो दोस्तों, तो की हाल चाल है, स्वागत है मेरे चैनल रोज डिगर में। तो आज हम बात करेंगे भैया एक अरुण राठौर के बारे में, जो बहुत बड़े प्रैंकर के वो हैं जिनके पीछे आग लग चुकी है, क्योंकि भैया उनके कुछ साथी अभी जेल जा चुके हैं ना, तो उनके पीछे भी लग चुकी है आग। पिछवाड़े में आग लगने से ज्यादा ना भैया उनकी फट चुकी है, वो भी पुलिस वालों से, हालांकि रोस्टरों से इनकी फट चुकी है कि भैया इनको ये दिक्कत हो रही है कि इनको एक्सपोज क्यों किया जा रहा है, इनको और इनके साथी जो प्रैंक वीडियो इस तरह के बनाते थे उनको एक्सपोज क्यों किया जा रहा है। अरे भैया अभी बताता हूँ क्यों एक्सपोज किया जा रहा है। इन भाई साहब ने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो डाला यूट्यूब में कि भैया एक वीडियो डाला, थंबनेल ऐसा है कुछ कि ये जेल जा चुके हैं। तो भैया थंबनेल अभी तुमने जो वीडियो में प्रैंक किया है ना, तुम्हें असली तो जेल गया नहीं, लेकिन वीडियो में जो प्रैंक किया भैया तुम लोग भी एक बार देखो। A few moments later. आज हम सबने पता है क्या करा? तुम्हारे पर प्रैंक कर दिया। तो इन भाई साहब ने प्रैंक किया, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भोसड़ी के, अभी तुम ये जो प्रैंक कर रहे हो ना, ये बहुत ही जल्दी सच होने वाला है, ठीक है ना। तो अभी ये तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी आगे चल के, अभी कुछ दिन रुक जाओ। लेकिन अभी देखो इन्हें जो इसी वीडियो में कुछ बातें भी बोली है लास्ट में, वो भी देखो। ये है ना कि यार कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं आजकल एक्सपोज, लाइक एक्सपोज उन्हें, मैं ये नहीं कहता करना नहीं आता या कर रहे हैं फिर भी गुस्से पड़े हैं, ठीक है करो। लाइक कुछ लोग एक्सपोज कर रहे हैं और ये इनका कहना है कि रोस्टरों को एक्सपोज करना नहीं आता। तो भाई साहब इनको, ये प्रैंकर है फिर भी इनको एक्सपोज करना था, इनके हर एक टाइटल में एक्सपोज जरूर लिखा होगा। ये देखो भाई साहब एक्सपोज जरूर लिखा होगा, मतलब हमें एक्सपोज करना नहीं आता, सिर्फ आप ही ठेका लेके बैठे हो ना एक्सपोज करने का। देखो मेरे प्यारे प्रैंकर भैया, गांड फटनी तय है, अब जितना भी धौंक लो यूट्यूब में आके, गांड फटेगी तो फटेगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। कहते हैं ना कुत्ते की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो आप भी शहर की तरफ, मतलब YouTube की तरफ आ रहे हो कि YouTube ही आपको बचाएगा, जबकि YouTube में आप ऐसे वीडियो डालोगे तो आपकी गांड फटेगी। बट मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि यार तुम दूसरे का नाम ना बदनाम मत करो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम दूसरे का नाम बदनाम मत। हम रोस्टर लोग और ये कुछ लोग हैं जो मतलब YouTube में बना रहे हैं प्रैंकर को, जो जेल जा चुके हैं उनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो भैया मैं इनको हम बदनाम कर रहे हैं, इन भाई साहब को हम बदनाम, ना 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 हम तो हम ही बदनाम कर रहे हैं ना, ये वीडियो इनके चैनल में हमें तो डाले थे, ये वीडियो हमें डाले थे, इनने थोड़ी ना डाले, हमने डाले। मतलब झूठ बोलने से पहले तुमको लगता नहीं कि चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब जाना चाहिए, लगता नहीं है तुम लोग को? साले ऐसे साफ साफ झूठ बोलते थे यूट्यूब में, हालांकि यूट्यूब को तुम लोग समझे क्या हो कि मतलब कुछ भी आके बोल दो हम लोग मान लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, प्रूफ चाहिए, प्रूफ दो ना, तुमने भी प्रूफ नहीं दिया ना, लेकिन मैं दूंगा, तुमने कहा ना एक्सपोज कर रहे हैं, तो भैया मैं भी तुमको एक्सपोज कर रहा हूँ, और ये तुम्हारी सच्चाई, तुमने तो बिना लॉजिक की बातें अभी बोली ना, अभी मैं प्रूफ देता हूँ, रुको तुम करो, मेरे को लेके बोल रहे हैं कि क्या हो गया, इसको लेके बोल रहे हैं, कम से कम ये चीज तो सोच रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो कुछ भी करो, बट ना किसी को बदनाम मत करो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तुम अपने ऊपर करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने नाम से, मगर दूसरे का नाम बदनाम पाने के लिए। इन भाई साहब और इन बहन जी का दोनों का कहना है कि हम रोस्टर सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं, ना 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 हम तो सिर्फ व्यूज और पैसे में मरते हैं, और ये भाई साहब ऐसे थंबनेल बना के व्यूज थोड़ा चाहते हैं, इनको व्यूज चाहिए ही नहीं, तभी ना ये यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, इनको पैसा कमाना ही नहीं, तभी ना ये यूट्यूब में पैसा कमाते हैं, मतलब तुम ऐसा थंबनेल बना सकते हो, मतलब तुम्हारे वीडियो ये नहीं चलेगा भाई साहब, मतलब तुम्हारे वीडियो अगर वीडियो तो मेरे वीडियो भी वीडियो है, अगर तुम ये कलाकारी कर सकते हो तो हम तो बिना कलाकारी के भैया सही बात दिखा रहे हैं, अभी तुम कह रहे हो ना कि तुम तो भैया धोखा दे के व्यूज ले जाते हो, ये तो सब यूट्यूब में जानते हैं कि धोखा दे के थंबनेल बना दोगे ऐसा और दिखाओगे कि तुमको लड़की पहचानती नहीं है, और जबकि वो लड़की तुम्हारे साथ ही होती है, फिर भी चूतिया हम लोग का करता है ना, काटते हो ना, लेकिन मैं काटूंगा नहीं तुम लोग का, तुम लोग बने रहो, वीडियो को लाइक कर दो, और भाई साहब तुम भी सुन लो कि भैया तुमने बिना बात के बोलती है ना कि हम लोग एक्सपोज करते हैं फालतू का, लेकिन मैं अब तुमको प्रूफ दिखाता हूँ, और भी देखते जाओ, इनकी एक एक बात का मैं प्रूफ दिखाऊंगा। बोल भी रहे हो सिर्फ एक व्यू के लिए, अबे भाई कम से कम देख तो लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसे क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें व्यू चाहिए भाई, अगर इतने बड़े देशभक्त हो ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तुम भी, मैं व्यूअर्स को गलत नहीं बोल रहा, बट व्यूअर्स भी ने पता नहीं क्या, अगर उनने जो चीज बोल दी, उनने जैसा दिखा दिया, देखो भाई व्यूअर को तुम गलत बोल भी नहीं सकते, अगर तुमने उनको गलत बोला तो तुम्हारी वो गांड मारना चालू कर देंगे, और जिससे तुम्हारी कमाई नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो ना, ये तो लॉजिक वाला है, उनको तो बात कुछ बोलना नहीं, और लेकिन बात करें व्यूअर्स किसी दूसरे की बात क्यों सुन लेते, क्योंकि जो देखो भाई जो सच होता है उसको सब कोई मानता है, अब तुम झूठ बोल के कुछ भी यूट्यूब में आके चिल्ला लो, देखो चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा, तो तुम यूट्यूब में चाहे जितना भौंक लो
कुछ नहीं होने वाला। व्यूवर्स को सब पता है वो चूतिया नहीं है, समझे ना। पता नहीं लोग साले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं कि मतलब लॉजिक वाली बातें ही नहीं है। फिर भी देखो बकचोदी बेलने के लिए यूट्यूब तुरंत उनका खुल जाता है। तुम्हारे पास ऑडियंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारा साथ दे सकती है। अगर तुम सही हो तभी तभी साथ देगी ऑडियंस, अगर तुम गलत हो ना ऑडियंस ही मिलकर काम आ लेती है, याद रखना ये बात। एक सेम थिंग यार, अगर कोई बंदा तुम्हें शो कर रहा है कि वो ये चीज ऐसी है, एक बंदा एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, तीन बार बोलता है, चार बार बोलता है, पांच बार बोलता है, जब वो सिक्स टाइम वो बार बार बोलता है ना, तो हो सकता है कि जिसके लिए वो बोल रहा है वो डिप्रेशन जब बोल ना पाओ तो सर को पकड़ लो कि भैया हाँ देखो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका हूँ, मतलब ठीक है। जब नहीं बोल पा रहे थे तो वो साफ साफ कबूलते ना कि हमारे डिप्रेशन निकल नहीं रहा है मुंह से, तो बगल में बंदी ने बोल दिया कि देखो डिप्रेशन बंदा चला गया, और उसने ऐसा ओवर रिएक्ट भी किया कि भैया ये डिप्रेशन चला गया। देख लो बकचोदी, मतलब अभी भी ट्राई करो कि बकचोदी शांत नहीं हो रही है। जिस तरीके से आप एक बार लोगों को बोले जा रहे हो ना, उस वजह से ना आप लोगों को ट्रोल कर रहे हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रही यहाँ, बट देखो भैया ये तुम चूतिया बना रहे हो, ये तुम सबको चूतिया बना रहे हो। ट्रोल हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग ट्रोल उस चीज में कर रहे हैं ना जिसमें तुम लोग ने मौका दिया, और जो तुम लोग ने गलत काम किया उसमें ट्रोल कर रहे हैं। अगर हम सच्चाई दिखा तो हम चूतिया हैं, और तुम झूठ बोल के मतलब कुछ भी बोल जाओ, तुम्हारे पास ऑडियंस ज्यादा है तो कुछ भी बोल जाओगे। मेरे पास जरूर ऑडियंस है लेकिन फिर भी सच बात बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। हमारे ट्रोल करने की वजह से बंदा सुसाइड करेगा, और इन हरकतों की वजह से कितनी लड़कियों की बेइज्जती होती है, कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या हो सकता है उसका अंदाजा कुछ है, उसका अंदाजा कुछ है। अगर तुम लोग ऐसे वीडियो, अब सुनो मेरी बात, अब मैं सीरियस पॉइंट पे आता हूँ, अगर तुम लोग ऐसे वीडियो सालों बनाते हो कि इस तरह गंदा दिखाते हो लड़कियों के, इस तरह पहचान बनाते हो, तो कल को तुम्हारे वीडियो देख के कोई लड़का इस तरह सच में करने लगे जाके, तब लड़की के साथ क्या होगा, और वो लड़की तुम लोग जैसी नहीं है तब क्या होगा। आधी लड़कियों के साथ ऐसा ही कुछ होता है कि मतलब जाते हैं लोग ऐसे ही प्रैंक करने लगते हैं, प्रैंक तो मतलब ज्यादातर तो जान पहचाने वाले की लड़की करते हैं, लेकिन अब हरकतें कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं कि अनजान लड़की के साथ भी लोग करने ही लगते हैं इस तरह की बकचोदियां। तो वो मेरे को बात बताओ कि अगर लड़की को परेशान हो रही है, लड़की सुसाइड अटैम्प्ट कर ले इस तरह की हरकत लड़कों करके, तुम लोग जो सीख के, तुम लोग से कुछ सीख के तुम्हारे व्यूवर्स इस तरह की हरकत करने लगे, और जिस लड़की के साथ करें वो सुसाइड अटैम्प्ट कर ले, तो उसका क्या हो, उसका कोई ना दें, क्यों उसका क्या मतलब। तुमको तो पैसे से मतलब ना, तुमको तो व्यूज से मतलब ना। भोसड़ी की अगर अभी हमको कह रहे थे ना व्यूज से मतलब है रोस्टर को, तो भोसड़ी के तुमको भी व्यूज से ही मतलब है। तो लॉजिक वाली बात बोलो, हम अगर लॉजिक वाली बात बोल रहे हैं तो तुम भी लॉजिक वाली बात बोलो, मैं ना गांड फाड़ के हाथ में धर देंगे, ये बात याद रखना। लड़कियों को अगर तुम करोगे ना तो सच में बता रहे बकचोदी सब शांत हो जाएगी, ज्यादा उड़ो मत, फिर है ना तो मूड गर्म मेरा भी हो सकता है, तो फिर समझ जाओ भी अभी। मैं ठीक है, मेरी वीडियोस को बोलता हूँ कोई बात नहीं, मैं इतना वल्गर कंटेंट नहीं करता, मेरे को पता है मैं। हाँ इन भोसड़ी वाले भाई साहब का ये वल्गर कंटेंट थोड़ी ना, ये तो बहुत ही देश को बढ़ाने वाला कंटेंट है ना। अरे भोसड़ी सुधर जाओ, मतलब अपने वीडियो में कभी इतनी गाली देता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी इन बातों के चक्कर में ना मेरे मुंह से गालियां निकले, टाइम सुधर जाओ यार, नहीं तो हम नहीं पुलिस पहले गांड तोड़ देगी तुम्हारी, याद रखना ये चीज। मैं लिमिट तक करता हूँ, मैं किसी वीडियोस डाल भी देता हूँ, मैं इसके साथ, मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ किसी वीडियोस नहीं करता, पहले करता था। ओ बहन जी और भाई साहब, अगर किसिंग वीडियो उसके साथ डाल लो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, मतलब ये थोड़ी ना होता है भैया कि तुम्हारी बंदी है तो तुम किसिंग वीडियो यूट्यूब में डाल दोगे। यूट्यूब है तुम्हारे घर का संडास थोड़ी ना, कुछ भी हक दोगे आके। देखो बंदी ने कितनी जल्दी बोला कि मेरे साथ डाला, अरे भैया ठीक है तुम्हारे साथ डालना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग किस करो कुछ भी करो यार, तुम लोग अपने घर में करो ना, अपने घर में वो कर सकते हो, लेकिन नहीं उससे तो व्यूज कमाना है ना, उस किस से तो व्यूज कमाना है, उस किस से पैसा कमाना है, तो भैया यूट्यूब में तो डालना ही पड़ेगा ना, तो तुम डाल देते हो, और फिर उसका वो नहीं देखते उसकी वजह समाज में क्या होगा, लड़कियों के साथ क्या हो सकता है, कुछ नहीं सोचते ना, सिर्फ तुमको पैसा चाहिए ना। तो देखो भाई साहब, ज्यादा पैसा चाहिए तो पैसे की एक बंडल बना के पीछे डाल लो, वो ज्यादा सही रहेगा। इस तरह की बकचोदियां करना बंद कर दो प्लीज। अब मैं भी ज्यादा बात बोलूंगा नहीं भैया, मेरा हो रहा है बुद्धि खराब भैया, इनको तो पुलिस सुधार देगी, हमें कुछ बोलने की जरूरत है, लेकिन हाँ जवाब देना जरूरी था, वरना ये लोग ना हवा में कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं, ढीले हो जाओगे भैया एक ही बार में। तो ये मेरी बातें तुमको सही लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, और लाइक करके भी बता सकते हो कि हाँ मेरी बात लॉजिक वाली थी और सही बात बोल रहा हूँ। अगर सही बात बोल रहा हूँ तो लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार के बेल की घंटी दबा लो, और इन दोनों वीडियो में कोई भी वीडियो देख सकते हो। बुद्धि खराब हो चुकी है मेरी, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।